पोहरी विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों क्षेत्रीय विधायक एवं राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग सुरेश धाकड़ राठखेड़ा के द्वारा लगातार विकास कार्यों की झड़ी लगाई जा रही है और क्षेत्रवासियों को विकास कार्यों की सौगात दी जा रही है। इसी तरातमे में बुधवार को राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा ने 422,17,000 रूपये लागत राशि के विकास कार्यों की सौगात दी है, जहां गडरिया मोहल्ले के माता मंदिर परिसर के पास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा मंडल अध्यक्ष आशुतोष जैमनी, नगर परिषद अध्यक्ष रश्मि नेपाल वर्मा, उपाध्यक्ष कृष्णलता संजीव शर्मा, वार्ड क्रमांक 6 की पार्षद रामश्री बंटी राजे, वरिष्ठ भाजपा नेत्री प्रतिभा जैन, ग्राम पंचायत मड़खेड़ा सरपंच मान सिंह आदिवासी सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां राज्य मंत्री ने विधिवत पूजा अर्चना कर पोहरी से उमरी सड़क का भूमि पूजन किया, जिसकी लंबाई 4.79 किलोमीटर है। साथ ही राज्य मंत्री राठखेड़ा ने आदिवासी महिलाओं को 1,000 रूपये देने की बोला, वहीं इसी दौरान एक छोटी सी बालिका 500 रूपये देकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान राज्य मंत्री ने क्षेत्र के विकास कार्यों में कमी न आने की बात कही। पोहरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। वो कहते हैं झूठे नारियां फोड़ते हैं, अरे हम 5 और 10 करोड़ का नारियां फोड़ते हैं, तुम्हें कब जलन होती है? तुमने तो कभी फोड़ा नहीं। आज इस रोड की मांग 25 साल से मैं देखता चला आया, जब भी मैं उमरी गांव जाता था लोगों की एक ही मांग थी कि हमारे आज तक कोई ने रोड नहीं डाली। जब मैं चुनाव में गया मैंने वादा किया उन्होंने इस बार आप भाजपा को वोट दो तुम्हारी रोड आपका बेटा भाई सुरेश राठखेड़ा डाल के देगा। उन्होंने मेरी बात पर विश्वास किया, उस भाजपा पार्टी पर विश्वास किया, इस हमारे नेता श्रीमती सिंधिया पर विश्वास किया और मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी पर विश्वास किया। आज वो सपना हमने साकार किया, 5,28,00,000 रुपए की रोड हमने आज स्वीकृत की है और कल से इस पर हम काम चालू करेंगे और बहुत जल्दी हम डम्बर डालेंगे जिससे हमारी बहनों को आने जाने में कोई दिक्कत ना।